और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की, जहां पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सबकी यहां पर एक ही मांग रही कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाया जाए। अमित शाह ने बैठक में आश्वासन दिया कि मणिपुर में हालात जल्द सामान्य होंगे और शांति बहाली की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा, अगर ऐसे हालात में नहीं लगाया जाएगा तो। नीता शर्मा की रिपोर्ट। एक एक कर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता संसद पहुंचे और एक ही स्वर में केंद्र के सामने साफ कहा कि जब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री नहीं हटाए जाते तब तक वहां हिंसा खत्म नहीं हो सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नेताओं की बात सुनी और मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाली का आश्वासन दिया। ऑल पार्टी डेलीगेशन का एक आइडिया था जिसको लगभग सब लोगों ने कहा कि इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मणिपुर को जो हीलिंग टच चाहिए उसमें उसको डिवाइडेड चेहरे नहीं चाहिए, एक यूनाइटेड चेहरा चाहिए। जो एक डिस्ट्रस्ट का बात मैंने कहा कि एक सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट है कि हमारे मुख्यमंत्री खुद हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कम्युनिटीज में बट गए हैं, तो एक सेंस ऑफ बायस है, एक सेंस ऑफ फियर है। और वो सेंस, एक तो जो चोरी हुए आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो वापस नहीं लौटे हैं, तो वो फियर हमेशा रहेगा। 60,000 से ज्यादा लोग कैंप्स में हैं। प्रतिनिधिमंडल भी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि आज से पहले ये अनप्रेसिडेंटेड रहा है कि कोई गृह मंत्री 3 रात और 3 दिन मणिपुर में बिता करके या किसी राज्य जहां दंगे हो रहे हो वहां बिता करके आए। ये अपने आप में एक पहला कदम ऐसा गृहमंत्री जी का था और स्वाभाविक रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका स्वागत भी किया। सर्वदलीय बैठक जो है वो लगभग 3 घंटे से ज्यादा चली। दो मेन बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली कि सभी ऑपोजिशन पार्टीज चाहती हैं कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें ऑपोजिशन लीडर्स भी शामिल हों उन्हें मणिपुर ले जाया जाए ताकि वो जमीनी हालात जो हैं बेहतर तरीके से समझ सकें, और दूसरा जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ अविश्वास इतना ज्यादा हो गया है, उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाना चाहिए। उधर इम्फाल में महिलाओं ने प्रधानमंत्री से अपील की कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। कोलकाता से अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता और नई दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जमीनी विवाद में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेरू असलम ने किसान को जान से मारने की धमकी दी है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। किसान ने नेताजी से खुद की जान को खतरा भी बताया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज की, लेकिन पुलिस यहां पर समझौता कराने की बात कहती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अवतरित होते ही बिलासपुर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम है। एक किसान से जमीन का विवाद है, सुनिए नए नवेले नेताजी का रौब और धमकी। कागज ले क्या? कौन से कागज ले क्या? कौन से कागज बताना? जो दूसरा होता है क्या? मैं कौन से कागज तो बताना, मैं ला रहा हूँ। जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। मैं जमीन कब तक करेगा तू? तू पीड़ित किसान का कहना है कि उनके पास 52 डिसमिल जमीन है, उस पर खेती से घर चलता है, लेकिन शेरू असलम धौंस दिखाकर जमीन पर कब्जा करना चाहता है। तीसरे दिन नहीं बनाए थे तो बोला तेरे जमीन मेरा, इसमें पैर रखोगे तो तुमको मार दूंगा, मारने का धमकी दिया। उसके बाद धमकी दिया तो मैं खंभा हुआ सब लाके गिराया और मेरे को जमीन को कहाड़ अपना लेकर के, तो फिर गिराने आया तो फिर भी गाली गलौज दिया, मारने का पिस्तौल और सब निकालने की कोशिश के लाओ गाड़ी में करके, क्योंकि जिला अध्यक्ष बिलासपुर अध्यक्ष के नाम पर धमकी देने वाले नेताजी अब कह रहे हैं उनके नाम और पद को जबरन उछाला जा रहा है, उनकी जमीन पर किसान कब्जा करने की कोशिश में है। उसके बाद थाने तक पहुंचे तो थाना प्रभारी मुझे फोन करके 9 बजे बुलाया था। मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जाके उनको पेश किया, उनको दिखाया, तो थाना प्रभारी ने दोनों का समझौता कराते हुए बोला कि एक बार और सीमांकन करा लीजिए, और मेरी मैं क्योंकि जिला अध्यक्ष बिलासपुर युवा कांग्रेस का, तो एक मुझे मेरे पद को हटाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आगामी वर्ष चुनाव है और यूथ कांग्रेस तो कांग्रेस कमेटी की रीढ़ की हड्डी है। पीड़ित किसान उमेंद्र साहू ने अपनी शिकायत में जान से मारने की धमकी जैसे आरोप लगाए, वीडियो सामने है, लेकिन पुलिस इतनी दरिया दिल की समझौता कराने की बात कहने लगी। आंदोलन ले जाके समझाया, बोला काम हो जाओ दोनों पार्टी, और अगला पहले से बैठा हुआ था, तो शेरू असलम मतलब शुरू से बैठा था,
हम लोग के आने से पहले, तो उन लोग का बीच में क्या हुआ ये हम नहीं जानते, तो हमको उसी में थोड़ा कमजोरी लग रहा है, डर है। सरकंडा थाना क्षेत्र में उमेंद्र राम साहू और कांग्रेस के युवा नेता शेरू असलम के बीच में कुछ जमीन संबंधी मोपका थाना क्षेत्र में विवाद चल रहा था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए और जो शिकायतकर्ता के शिकायत पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई की है और साथ ही साथ दोनों पक्षों को हिदायत दी है कि यथास्थिति बरकरार रखे जब तक सीमांकन ना हो। जमीन विवाद में बीजेपी कांग्रेस कूद रहे हैं। कांग्रेस ने नेताजी पर कार्रवाई तो नहीं की, उल्टा कहा बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अभी बीरनपुर की आग ठंडी नहीं हुई और ये मोपका के किसान उमेश साहू का इस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है, ये बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और राज्य की भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है, तब युवक कांग्रेस सत्ता के पदाधिकारियों पर भी उनके अध्यक्ष बयानबाजी उतर आए हैं। बिलासपुर के युवक कांग्रेस अध्यक्ष का किसी से जमीन का विवाद था, उस संबंध में उस विवाद के बाद में पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धारा में कार्रवाई की है और राजस्व विभाग को जमीन की वस्तु स्थिति के बारे में जांच के आदेश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर कोई भी दोषी होगा कड़ी की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे शेरू असलम पर जमीन विवाद को लेकर और भी शिकायतें दर्ज हैं। बिलासपुर से रोशन और जुल्फिकार के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। अब एक एथलीट की कहानी आपको सुनाते हैं जो बिना सुविधाओं के बांस और भूसे पर प्रैक्टिस करती नजर आ रही है। हरियाणा के फतेहाबाद की पूजा ने अंडर 18 यूथ चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप इवेंट में गोल्ड जीता और अब कोरिया में हुए एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में सिल्वर जीत लिया है। पूजा के पिता पेशे से राजमिस्त्री हैं, ऐसे में तंगी की वजह से उन्हें मदद की दरकार है, लेकिन सुविधाओं के लिए वो जूझ रही हैं। अब पूजा को सरकार की ओर से मदद अब तक नहीं मिल पाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उधार का गद्दा और इधर उधर से जुगाड़ किए गए बांस के सहारे सुबह 5 बजे से पूजा की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यह हाल है कोरिया में अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाली 16 साल की पूजा का। फतेहाबाद जिले के बोस्ती गांव की पूजा को कहीं से कोई मदद नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। अंडर 14 का गोल्ड है, जूनियर गोल्ड, अंडर 16 का इंडिया रिकॉर्ड और गोल्ड है, और अंडर 18 का भी रिकॉर्ड और गोल्ड, अंडर 20 का भी रिकॉर्ड है सर गोल्ड के साथ में। मैं 2017 से कर रही हूँ सर प्रैक्टिस यहाँ पे, और 2017 से आप जैसे कि हमारे पास कोई सुविधा तो नहीं थी, इस बांस के ऊपर ही प्रैक्टिस करके सर इंटरनेशनल तक गई हूँ। पिताजी जितना कमाते हैं उससे तो घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, तो मेरा डाइट का खर्चा लगभग 15,000 से ज़्यादा ही हो जाता है हर मंथ का, और जो मेरे कोच साहब है कुछ वो एफर्ट कर देते हैं, कुछ पिताजी एफर्ट करते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिली, किसी प्रकार का कोई सोशल समाज सेवी जो होता है उसने भी कोई हेल्प नहीं की। कोई भी हमारे गाँव से मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बच्ची को देख के पोटेंशियल देख के कि इसकी हेल्प करने के लिए आए। बस हम दोनों बच्चा और मैं उसके पेरेंट्स, ठीक है पेरेंट्स बेचारे इतना नहीं एफर्ट कर पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना एफर्ट किया कि ये बच्ची आज इस मुकाम तक खड़ी है। पिता 10 से 15,000 रुपए महीने कमाने वाले राज मिस्त्री हैं। घर का फर्श तक कच्चा है और खाना भी चूल्हे पर बनता है, लेकिन माता पिता अपनी बेटी को ऊंची और ऊंची छलांग लगाते देखना चाहते हैं। खेलने के लिए कपड़े की भी जरूरत है, अच्छे जूतों की भी ज़रूरत पड़ेगी, डाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें गरीब परिवार के लिए इतना खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकार को कम से कम देखना चाहिए भी बच्चा किस लेवल पर जा रहा है, उस हिसाब से कम उसको कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए ताकि दूसरे बच्चे उसको देखकर आगे आए। जी हमें तो पता ही नहीं रहा है भाई कभी ये बच्ची नाम रोशन करेगी, कहीं खेलेगी या फिर इसे ने भारत स्पोर्ट्स
एकेडमी में भेजा तो ये खेलने लगी और अच्छा फील हो रहा है, जो इंटरनेशनल तक खेल रहे हैं। पूजा की पढ़ाई लिखाई में भी पूरी दिलचस्पी है। वो गांव से 10 किलोमीटर दूर सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। पूजा हमारे पास आई थी 9th क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ अरोही स्कूल्स के अंदर जो हर किसी बच्चे का एडमिशन होता है वो एंट्रेंस लेवल पे होता है, तो एंट्रेंस लेवल पे इसका एडमिशन हुआ। शी इज़ गुड इन स्टडीज़, स्टडी में भी अच्छी है ये, इसकी कैचिंग पावर बहुत बढ़िया है, साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। भारत गांवों में बसता है और गांवों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से गांव आज भी छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं, उसी तरह से गांव की प्रतिभाओं को भी जरा जरा सी सहूलियतों के लिए तरसना पड़ता है। पूजा इसकी मिसाल है। फतेहाबाद से सुनील रवीश की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।